महोली नगर पंचायत में सोमवार दोपहर सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार, मनमानी और अनियमितताओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि नवनिर्मित चेयरमैन केतु का अन्य अधिकारियों पर महोली नगर पंचायत के कई सभासदों ने आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभासदों की माने तो नगर पंचायत अध्यक्ष ने बिना किसी सभासद की सहमति से अपनी मनमर्जी मुताबिक कर्मचारियों की भर्ती कर ली, जिसमें कई प्रकार की कोई मीटिंग और सभासदों के कोई सहमति नहीं ली गई। साथ ही उन्होंने अन्य कई आरोप लगाते हुए मास्टर कॉलोनी पूर्व सभासद रेखा वाजपेयी प्रतिनिधि अरविंद वाजपेयी ने बताया कि नगर पंचायत में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ ही ये भी बताया कि बिना बोर्ड की किसी मीटिंग के कई लोगों को ज्वाइनिंग बतौर कर्मचारी कर दिया है, किंतु उन्हें किस पटल और कहां रखा जाए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही चयनित कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। वो कौन है, कहां के निवासी हैं। सभासदों ने बताया कि जब इस बारे में नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी से पूछा गया तो उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। वहीं सभासद अनुज दीक्षित ने बताया कि जो नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो कुछ नहीं कर रही, बल्कि वो पूर्व चेयरमैन के कहने पर नगर पंचायत का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व चेयरमैन के निजी कर्मचारियों को नगर पंचायत में भर्ती कर लिया है। वहीं सभासद प्रतिनिधि प्रवीण शुक्ला ने आरोप लगाया कि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष केतुका देवी के पति पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पर कर्मी हैं, इसी कारण स्वयं दिनेश गुप्ता नगर पंचायत आते हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष की जगह स्वयं सरकारी रजिस्टर एवं सरकारी योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, जबकि इसका उचित निर्वहन और दायित्व नगर पंचायत अध्यक्ष का है, जो कि कठपुतली जैसी साबित होती है। हमारी चेयरमैन की मनमानी नहीं चलेगी।